रैली के लिए झारग्राम नहीं पहुंच सके अमित शाह, हेलीकॉप्टर में आई खराबी, अब खड़गपुर से करेंगे वर्चुअल रैली। आज बांकुरा में भी अमित शाह को करना है प्रचार। रविवार की शाम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने किया था रोड शो, लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। रोड शो के दौरान आज तक से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत, बंगाल में कम से कम 200 सीट जीतने का दावा। वंदे मातरम के जय घोष से अमित शाह ने बढ़ाया समर्थकों का जोश, करीब 1 किलोमीटर तक चला रोड शो। रोड शो के दौरान ममता सरकार पर बरसे अमित शाह, भ्रष्टाचार और तूलेबाजी की कमर तोड़ने का जताया संकल्प। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी पुरुलिया, व्हीलचेयर पर 2 रैलियों को करेंगी संबोधन। कल कोलकाता में ममता ने किया था रोड शो, बीजेपी पर किया कई बार कहा घायल शेर होता है ज्यादा खतरनाक। ममता ने देश में लोकतंत्र पर हमले की कही बात, कहा हम कायरता दिखाकर नहीं मानेंगे हार। व्हीलचेयर पर ही ममता करेंगी पूरे बंगाल का दौरा, बोली बंगाल के लोगों का दर्द मुझसे ज्यादा। ममता के रोड शो पर बीजेपी का तंज, बोले बाबुल सुप्रियो नहीं चलेगा सहानुभूति बटोरने का दाव। चौलीगंज से बीजेपी का विधानसभा टिकट पाने वाले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बयान, मुझसे कोई डर नहीं, डरे भ्रष्टाचारी। ममता को लगी चोट पर बोले बाबुल सुप्रियो, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, लेकिन चोट कैसे लगी, चुनाव खोल चुका है इसकी करें। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है, तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। ममता के खेला हो बिनारे का बाबुल सुप्रियो ने उड़ाया मखौल, बोले राजनीति में हम कोई खेल नहीं चाहते, ममता पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार पर उम्मीदवार अपना रहे हैं तरह तरह के हथकंडे, तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में एआईडीएम के प्रत्याशी ने बनाया एग डोसा। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची, 3 मौजूदा सांसदों को टिकट। चौलीगंज से बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे चुनाव, तारकेश्वर सीट से स्वप्नदास गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजीव बनर्जी डोमजुर से चुनाव लड़ेंगे, सांसद निश्चित प्रमाणिक को भी टिकट। बंगाली फिल्म स्टार यशराज गुप्ता चनितला से चौकेंगे ताल, ब्याला सीट से ईस्ट से अभिनेत्री पाल सरकार को मिला टिकट। चुनचुरा से बीजेपी सांसद लॉकेट चेचरी को मिला मौका, अलीपुर द्वारा से अशोक लहड़ी होंगे प्रत्याशी। ममता को चोट मामले में चुनाव आयोग का सख्त फैसला, सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय के निलंबन का आदेश। चुनाव आयोग ने पूर्वी मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को भी किया सस्पेंड, बंदोबस्त में खामी की वजह से दर्ज हुई थी शिकायत। पूर्वी मिदनापुर में डीएम विभु गोयल का भी तबादला, स्मिता पांडे बनेंगी नई जिला अधिकारी। बंगाल के मुख्य सचिव को 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के आदेश, 31 मार्च तक देनी होगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी की चोट का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। बंगाल में बीजेपी को झटका, शोभन चटर्जी और वैशाखी बनर्जी ने छोड़ी बीजेपी, टिकट नहीं मिलने से नाराज। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बयान, कोई बीजेपी में नहीं रुकना चाहता, अब सांसद को दे रहे हैं एमएलए का टिकट। सिंगरौर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 2 वरिष्ठ नेताओं का कई घंटे तक घेरा। कोयला तस्करी मामले में आज अभिषेक बैनर्जी के रिश्तेदारों से सवाल जवाब, सीबीआई ने उनकी साली, पति और ससुर को भेजा है नोटिस। कोलकाता में सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के पति और ससुर को सीबीआई ने बुलाया, पहले मेनका से भी हो चुकी पूछताछ। यूपी के बलरामपुर में ओपी राजभर के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने की रैली, योगी सरकार पर एनकाउंटर में मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ओवैसी का आरोप, 2017 से 2020 तक हुए एनकाउंटर में मारे गए लोगों में 37% मुस्लिम। 75 एनकाउंटर हुए जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। ओवैसी ने कहा हम किसी की बी टीम नहीं है, हम तराजू का वो पलड़ा है जिस तरफ वो जाते हैं सत्ता में आ जाता और दूसरे पलड़े पर लेट जाता है। ओवैसी के बयान पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार, कहा जिनके हितैषी बन रहे हैं उन्हें समझाएं ओवैसी, लोग बदमाश नहीं उनकी तरह बैरिस्टर बने। लिहाजा आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी परसेंटेज क्यों आ रही है आपकी, आप बैरिस्टर बनिए हमारी तरह, आप अपनी तरह बैरिस्टर बनाइए, भाषण तो आप ऐसे देते हैं कि वो।
मोहसिन रजा ने लगाया आरोप ओवैसी के मन में छिपी है एक और विभाजन की इच्छा। लखनऊ में हुआ यूपी बीजेपी कार्य समिति का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह में की शिरकत, सीएम योगी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा योगी राज में यूपी में है राम राज्य। यहाँ योगी जी और केंद्र में मोदी जी, और हमारे प्रधानमंत्री ने आकर शिलान्यास राम मंदिर का कर दिया। राजनाथ सिंह किसानों की समस्याओं का भी जिक्र करते नजर आए, कहा किसानों के हित में कानून में संशोधन को तैयार है सरकार, एमएसपी पर दिया भरोसा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच राहत भरी खबर, NH-24 पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला एक फ्लाईओवर खोल दिया गया। दिल्ली के सिंगोर टीकरी बॉर्डर पर स्थायी मकान बनाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किनारा, कहा ऐसा निर्माण नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा किसानों की हालत खराब है, उनकी मांगों पर विचार करे सरकार। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। बागपत में एक समारोह में सत्यपाल मलिक ने कहा एमएसपी को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन को खत्म करा दूंगा। हिसार में मृतक किसान राजवीर के घर पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, बोले 300 किसानों ने दी शहादत सरकार चुनाव में व्यस्त। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार बनने पर आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया, कहा जनमत खो चुकी है बीजेपी जेजेपी सरकार। दिल्ली के गरीब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान, हर संभव मदद उन तक पहुंच रही, आंदोलनकारियों के लिए संगरूर में बनाई जा रही चारपाई। प्रदर्शनकारी किसानों ने बनाई रणनीति, गेहूं कटाई के सीजन में महिलाएं लीड करेंगी आंदोलन। ओडिशा के शनिखोल में महापंचायत करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा, 19 मार्च को की महापंचायत। प्रयागराज पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, नवंबर दिसंबर तक आंदोलन का हल निकलने की उम्मीद जताई। उम्मीद है कि सरकार मिल जाएगी फिर सर्दी में, तो नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है कि चलेगा ये। राकेश टिकैत ने कहा पश्चिम बंगाल में टीएमसी का नहीं किया समर्थन, बीजेपी को छोड़ किसी को भी वोट देने की अपील की। केरल के सीएम पिनरायी विजयन ने किया नामांकन, धर्मधाम विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। कोरोना रिटर्न से महाराष्ट्र में जबरदस्त संकट, नागपुर में आज से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग, कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,620 नए कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 50 मरीजों ने दम तोड़ा, राज्य में 1,26,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। पुणे में भी कोरोना की तेज लहर, 1,740 नए मरीज सामने आए, 17 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मिले 1,023 नए मामले, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। देश में कोरोना के ग्राफ में इजाफा जारी, 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 118 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 407 नए मरीजों की पुष्टि, 2 कोरोना मरीजों की मौत। हरियाणा में 440 नए मामले, राज्य में आज से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्लान, बढ़ते कोरोना ग्राफ पर रोक लगाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उर्स मेले में दिखी लापरवाही, बिना मास्क नजर आई हजारों की भीड़। होली की भीड़ को देखते हुए गया में रेलवे सतर्क, स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू। एंटीलिया में गिरफ्तार पुलिस अफसर सचिन वाजे को किया सस्पेंड, 25 मार्च तक एनआईए रिमांड पर भेजा गया। बीती रात एनआईए के दफ्तर में सचिन वाजे का मेडिकल चेकअप हुआ, जानकारी के मुताबिक परेशानी की वजह से रात में बुलाया गया डॉक्टर। सचिन वाजे के वकील ने कोर्ट में कहा उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं, सिर्फ संदेश के आधार पर एनआईए ने पकड़ा। सचिन वाजे को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, बीजेपी ने की वाजे के नाको टेस्ट की मांग। बीजेपी की मांग पर शिवसेना का पलटवार, कहा मुंबई पुलिस को बदनाम करने की है साजिश। लखनऊ में बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश, पति के आरोपों के बाद काटी हाथ की नस।